हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में प्रतिमा अपने बेटे श्याम और बहू राधा के साथ रहती थी। प्रतिमा का बेटा श्याम खेत में काम करता था, वहीं प्रतिमा की बहू एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी, जिसके चलते वो घर के काम के बहाने बनाती। वहीं प्रतिमा की एक पड़ोसन भी थी जिसका नाम सीमा था, जो अक्सर प्रतिमा के घर आया जाया करती। ऐसे ही एक दिन प्रतिमा अपनी बहू से कहती है, राधा बहू मेरे लिए खाना बना दे। जी माँ जी, बना रही हूँ। जब देखो काम ही बताती रहती हैं। अब इनको अपने रास्ते से हटा ही दूंगी। तभी श्याम घर आ जाता है और बोलता है, राधा क्या सोच रही हो? माँ जी मुझसे बोल रही थी कि तुमने अभी तक खाना बना के नहीं दिया, क्यों? तुमसे कोई मतलब? तुम्हारी माँ जी है ना, जब देखो हुक्म ही चलाती रहती है मेरे ऊपर। राधा माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुम जल्दी से कुछ बना के दे दो ताकि वो दवाई खा सके। प्रतिमा हॉल में बैठकर ये सब सुन रही थी। तभी सीमा प्रतिमा के घर आती है और प्रतिमा को ताने मारते हुए कहती है, प्रतिमा तू कुछ भी बोल पर तेरी बहू को ज्यादा ही कामचोर है। एक मेरी बहू को देख, मेरे मुंह से निकलता नहीं कि वो तुरंत काम कर देती है। इतना बोलकर सीमा अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रतिमा सीढ़ियों से गिर जाती है। वहीं हॉल में बैठी उसकी बहू अपने हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। मुझे आकर उठा ले बहू, मुझे बहुत जोर से चोट लगी है। माँ जी मेरे हाथों की मेहंदी खराब हो जाएगी, अब खुद उठ जाओ ना। अरे मर गई रे। तभी श्याम ये सब देख लेता है और भाग कर आता है और अपनी माँ को उठाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है माँ जी सीढ़ियों से गिर गई हैं, तुम उनको उठा नहीं सकती हो। आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या कि मैंने मेहंदी लगाई हुई है? दिख रहा है तुम मेहंदी लगा रही हो, लेकिन मेहंदी लगाने से ज्यादा माँ जी को उठाना जरूरी है। आप ना मुझसे फालतू तो बोलिए मत, पर आपकी माँ जी दिन भर गिरती तो रहती हैं और मैंने क्या ठेका ले रखा है उनको उठाने का। चलो माँ जी मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाता हूँ, आप आराम कर लो। चल बेटा। श्याम खुद ही अपनी माँ की देखभाल करने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं, लेकिन राधा के स्वभाव में बदलाव नहीं मिलता, जिसके चलते सभी लोग राधा की इन हरकत की वजह से परेशान थे। कई दिनों बाद प्रतिमा की बहन कमला उससे मिलने आती है, जिसे देखकर प्रतिमा काफी खुश थी। आओ आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बताऊं दीदी, टाइम ही नहीं मिल पाता है। आज टाइम मिला तो आपसे मिलने चली आई। हाँ हाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों बनाने जा रही हो? बहू कहाँ है? बहू बना ले आएगी। तभी राधा अपने हाथों में लगी नेल पेंट पर फूंक मारती हुई हॉल में आती है। राधा कमला को देखकर मुंह बना लेती है। तभी प्रतिमा कहती है, देख बहू कौन हमारे घर आया है, मेरी बहन यानी कि तेरी मौसी सास। आ इनके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले और चाय बना कर ले आ। माँ जी मुझे किसी के पैर नहीं छूना और ना ही मैं चाय बना पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी तो। प्रतिमा तेरी बहू कितनी जुबान चलाती है, तू उससे कुछ कहती क्यों नहीं है? और इसका ये कौन सा बहाना है कि चाय बनाने में नेल पेंट खराब हो जाएगी? तूने इसको ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। चुप हो जा, ऐसे मत बोल, मेरी बहू है जैसी भी है। तू रुक मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर बातें करती हूँ तुझसे। प्रतिमा रसोई की तरफ जाती है और अपनी बहन के लिए चाय बना के लाती है। फिर दोनों बहनें चाय पी रही थी कि तभी वहाँ पर श्याम आता है और अपनी मौसी को देखकर काफी खुश होता है। तीनों बातें करते हैं। कमला बातों ही बातों में उसकी बीवी की बातें बताती है। बेटा श्याम तुझे पता है अभी तेरी बीवी? कमला अपनी बात श्याम से कह पाती, इतने में ही राधा वहाँ आती है और श्याम को कुछ काम बताकर कमरे में ले जाती है। श्याम के जाते ही कमला कहती है, दीदी तुम श्याम से राधा के बारे में कुछ कहती क्यों नहीं हो? तुम्हें बताना चाहिए, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ना बताकर। कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगी, थोड़ा तो समय लगेगा ना। जब आप बोल रही हो तो सुधर ही जाएगी, लेकिन मैं बता दूं अब कुछ दिन मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो आई हूँ। जब तक तेरा दिल करे तब तक तू मेरे घर रुक सकती है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, अब तेरे साथ खूब मस्ती करूँगी। राधा की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही समय के साथ साथ घर का राशन खत्म होता है। प्रतिमा राशन की लिस्ट बनाकर अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू तो बाहर जा रही है तो जरा एक काम कर, राशन ले आना, मेरे पैरों में दर्द है। माँ जी मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, मैं तो पार्लर जा रही हूँ, आप ही जाकर राशन ले आना, मेरे पास फालतू के काम के लिए समय नहीं है। ठीक है बहू मैं ही चली जाऊंगी, तू जा पार्लर। राधा फिर से बहाना बनाती है। ये सब कुछ कमला सुन रही थी।
तभी दोनों बहनें राशन लेने जाती हैं और राशन लेकर आ रही थी कि रास्ते में प्रतिमा को चक्कर आती है, वो गिर जाती है। तभी कमला श्याम को कॉल करती है। बेटा श्याम, कहाँ है तू? जल्दी से आ जा, मार्केट से आते हुए नुक्कड़ वाली गली में दीदी गिर गई है, उनको बहुत चोट लग गई है। जी मौसी जी, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में वहाँ पर श्याम आता है। कमला और श्याम दोनों मिलकर प्रतिमा को घर ले आते हैं। तभी श्याम गुस्से में राधा से कहता है, राधा तुमने माँ जी को राशन लाने क्यों भेज दिया? तुमको क्या उनकी उम्र नहीं दिखती है? जब मैं तुमको अलग पैसे देकर जाता हूँ टैक्सी के, तो तुम क्यों नहीं जाती हो राशन लेने के लिए? तुम मेरे ऊपर ज्यादा चिल्लाओ मत, बता रही हूँ मैं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और तुम रहो अपनी माँ के साथ। ठीक है, जाओ, आज के बाद से मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो करना है करो तुम। बेटा ऐसा लड़ाई मत करो, घर में कलेश करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। कमला भी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। एक दिन प्रतिमा अपनी बहू से कहती है, मेरे लिए चाय बना दे, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। माँ जी, मेरी भी तबीयत खराब है, मैं चाय नहीं बना सकती, आप खुद ही बना लो। प्रतिमा खुद के लिए चाय बनाने किचन में जाती है और चाय बनाकर लेकर आ ही रही थी कि तभी उसके घर सीमा आती है और कहती है, प्रतिमा तुम चाय क्यों बना रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ गई? अपनी बहू से काम करवाना, जब देखो तब खुद ही काम में लगी रहती है। कुछ भी कहो प्रतिमा, तुम्हारी बहू ना बहुत ज्यादा आलसी है। क्या ही बताऊं सीमा, बहू की तबीयत खराब है इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो मेरी बहू बना के लाती है, सारा काम वही करती है। प्रतिमा बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे सब पता है तुम्हारी बहू कितनी बीमार है और कितनी नहीं। मैंने अपनी खिड़की से खुद देखा था, तुम्हारी बहू तो कमरे में डांस कर रही थी। सीमा की बात सुनकर प्रतिमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन राधा को चोट लग जाती है, जिसके चलते राधा कोई काम नहीं कर पाती। लेकिन राधा की सास राधा का खूब ख्याल रखती है, तो राधा को एहसास होता है कि आखिर उसकी सास कितनी अच्छी है। और एक रोज जब वो ठीक हो जाती है, तो वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी हमेशा हेल्प की, मैंने उसके बदले क्या किया? बस बहाने बनाकर आपको हर काम के लिए मना करती रही, आपको ही बुरा भला कहती रही। लेकिन आज के बाद से मैं आपकी हर एक बात मानूंगी और कोई बहाने नहीं बनाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, गलती सबसे होती है, लेकिन तुझे समझ आया यही बहुत है। राधा अपनी सास को गले से लगा लेती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आखिर उसकी सास कितनी अच्छी है और वो कितनी ज्यादा गलत थी, जो अपनी सास के हर काम के लिए बहाने बनाया करती थी। और बीतते समय के साथ फिर सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, और अब राधा अपने ससुराल का हर काम किया करती, वो भी बिना कोई बहाना बनाए। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो हर काम के लिए बहाने बनाता है? अगर हाँ, तो उसका नाम हमें कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।